नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जाली रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट, आपकी तरफ बहुत ढेरों एपिसोड लेकर आ रहे हैं, बहुत नॉलेजेबल चीजें लेकर आ रहे हैं। ये सिर्फ तभी संभव होता है जब आप ये एपिसोड देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी ओर से सारा काम एफर्ट्स कर रहे हैं और आप उसको एप्रिशिएट नहीं कर रहे, आप उसकी वाहवाही नहीं कर रहे, आप उसे ब्लेसिंग नहीं दे रहे। जब आप सब हमारे साथ चलते हैं तो ही आगे बढ़ना बंदा इजी रहता है। तो दोस्तों, जैसे जेमोलॉजी के ऊपर हमारे बहुत ढेरों एपिसोड आपने देखे होंगे, आगे भी कंटिन्यू ये चीजें चलती रहेंगी। ये नहीं कि ये यहीं तक सीमित थी, ये लगातार कारवा चलता चला जाएगा। मैं यहां पे एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं हमेशा बोलता हूं ज्योतिष एक साइंस है और कैलकुलेशन ऑफ मैथ है, नथिंग एल्स। कोई भ्रम, कोई वहम में फंसने की जरूरत नहीं है। जेमोलॉजी आपको सभी वहमों से बाहर लेकर आती है। ये एक वो वेपन है, ये एक वो रामबाण है जो वाकई बिल्कुल निशाने पर जाके लगता है। तो दोस्तों, ये जो एपिसोड हम आपकी तरफ लेकर आते हैं, ये बहुत रिसर्च के बाद, बहुत समझ के बाद और एक्सपीरियंस के बाद तभी ये एपिसोड आपकी तरफ लेकर आते हैं। बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं, मेटल्स के बारे में, स्टोन्स के बारे में। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए आइए चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। दोस्तों, कई बार हम अपना होरोस्कोप, जन्म पत्रिका, हस्तरेखाओं द्वारा रत्न पहन लेते हैं। अब डेफिनेटली रास्ते तो यही है, और कोई रास्ते नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप हथेलियों से, अगर नाम से, ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपको कोई ट्रबल है, रिलेटेड टू ट्रबल भी जेम्स पहने जाते हैं। तो बात कर रहे हैं, कई बार हम गलत जेम्स पहन लेते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी ढेरों कॉल्स, ढेरों मैसेजेस आते हैं कि हमने जेम्स गलत पहना था, जब पहना हुआ है, जहां हमें लग रहा है। अब इसको उतार दें या ना उतारें, या उतारें तो क्या इसका रास्ते हैं, ये चीज को आज हम क्लियर करेंगे इस एपिसोड के अंदर। मैं सबसे पहले बता देना चाह रहा हूं कि जब भी आप एक्सपेरिमेंटल स्टोन्स पहनेंगे ना, एक्सपेरिमेंटल्स का मतलब होता है कि मैं एक लर्नर हूं, मैं उस चीज को कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं लोगों के ऊपर। एक्सपेरिमेंट के अंदर जब भी आप स्टोन पहनते हैं तो दो चीजों का आपको नुकसान होता है। सबसे पहले तो आपका पैसा खराब होता है, धन खराब होता है, और दूसरा आपको कोई मेजर ट्रबल आ जाता है। अब बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल स्टोन्स की। मैं यहां पे फिर से क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि जब आप रत्न पहन लेते हैं, देखिए पेशेंट को क्या पता डॉक्टर ने क्या कौन सी मेडिसिन दे दी है, वो तो भला चंगा होना चाहता है। उसका तो काम है कि भैया हम इस चीज को खाएं और अपनी बीमारी से मुक्त हो जाएं। लेकिन आगे डॉक्टर भी तो बढ़िया होना चाहिए, डॉक्टर भी तो एक्सपर्ट होना चाहिए, डॉक्टर की भी तो महारत होनी चाहिए, अन्यथा नीम हकीम खतरे जान वाला काम तो फिर है ही है। तो यहां पे इस उदाहरण को क्लियर करते हैं कि अगर हमें किसी ने जाने अनजाने गलत रतन डलवा दिया है, नकली रतन डलवा दिया है, फेक रतन डलवा दिया है, तो जब हम उसे उतारते हैं तो उतारने के बाद, मान लेते हैं कि आप किसी सही बंदे के पास जाते हैं, वो आपको बताते हैं कि दिस स्टोन इज नॉट गुड फॉर यू, यू कैन वेयर दिस एंड दैट स्टोन, ये आपके लिए अच्छा है, आपका उस एक्सपर्ट के ऊपर बहुत भरोसा हो जाता है। तो कई बार आपकी एनर्जी ओरा समझ लेती है कि यार वाकई दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी, जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मेरे को मिल चुका है। अब जब आप रत्न उतार देते हैं तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, दो हफ्ते यानी 14 से 15 दिन का टाइम लेते हैं, जब बॉडी के अंदर से नेगेटिविटी एनर्जी जो होती है
वो आपको ट्रबल में डाल के रखती है। इसको और क्लियर करते हैं कैसे। मान लेते हैं घर के अंदर हमारे जैसे रूटीन लाइफ के अंदर कूड़ा होता है, जो एक जिसे दूसरी भाषा में डस्टबिन है, तो डस्टबिन के अंदर आप कचरा डाल रहे हैं, कूड़ा डाल रहे हैं, तो जब भी हम उसको ख़त्म करते हैं, बाहर फेंकते हैं या उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उसके बाद मैं यहाँ पे बता दूँ उस जो डस्टबिन के अंदर से स्मेल आती है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। मेरे कहने का भाव क्या है कि नेगेटिविटी जरूर आप फील करेंगे, ये एनर्जी की गेम है। जेम्स है क्या? जेम्स तो सिर्फ एनर्जी से रिलेटेड ही है। एक ऐसी एनर्जी है जो यूनिवर्स से आ रही है, आपको बल्ले बल्ले करवा देगी, पॉजिटिव है। एक ऐसी एनर्जी है जो गैलेक्सी यूनिवर्सिटी से आ रही है, जो आपको बिल्कुल ही नीचे लेके आ जाएगी। गलत जेम्स आपके ग्राफ को बिल्कुल नीचे की तरफ भगाएंगे, आपको आपके बने बने काम बिगाड़ देंगे। अभी यही बातें रुद्राक्ष के ऊपर भी अप्लाई होती हैं, यही बातें मेटल्स के ऊपर भी अप्लाई होती हैं। दोस्तों एपिसोड लंबा है लेकिन बहुत ही मजेदार, बहुत बेहतरीन नॉलेजेबल एपिसोड है। अभी एपिसोड को हमने लेंथी क्यों करा? आप जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो कॉन्टिन्यूसली 4-5 साल से हमें फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि बीच में हमारे एपिसोड 4 से 5 मिनट के आने शुरू हो गए थे। बहुत ढेरों मेल्स, बहुत ढेरों ऐसे लोगों के कमेंट्स आए कि आप इन एपिसोड की टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ा दें। फिर हमने इसको 9-10 मिनट करा, लेकिन अभी तो ये हाल हो गया है कि वो बोलते हैं कि रमन भाई इसको 14-15 मिनट 17-18 मिनट का कर दो। तो ये पॉसिबल नहीं होता दोस्तों, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं अपनी ओर से कि आपको बहुत कम समय के अंदर बहुत ज्यादा जानकारी दे दें। मैं यहां पे एक और चीज बहुत क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि एक तो ऐसे हमारे बहुत सज्जन, मैं उनका नाम तो यहां पे नहीं ले पाऊंगा, तो उन्होंने तो मेरे को यह बोला कि रमन भाई आप एवरी डे एपिसोड अपलोड करो, एवरी डे। तो एवरी डे तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें हैं जो एक्टिविटीज है, उसे भी फॉलो करना है। तो ये प्यार, ये स्नेह, ये आपका आशीर्वाद अगर मेरे ऊपर और हमारी ऑफिस पूरी की पूरी टीम के ऊपर बना हुआ है, तब ही हम पूरी कोशिश करते हैं और बहुत ईमानदारी के साथ आपकी तरफ ये एपिसोड लेकर आते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका जो स्नेह है, आपका जो प्यार है, ये बना रहना चाहिए, ताकि हम हमारे अंदर भी वो हौसला, वो विल पावर बिल्कुल ऐसे बरकरार रहे कि वाकई यार जो जुनून है, कुछ ना कुछ करना है, दिखाना लोगों को। तो दोस्तों इधर उधर की बातें ना करते हुए आइए चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो दोस्तों मेरे कहने का भाव सिर्फ इतना है, रतन पहन रहे हैं बिल्कुल पहनिए। कई बार एक और मैं इसके साथ चीज जोड़ देना चाहता हूं, जो दर्शक हमारे साथ नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, आपने रतन ले लिया, डेफिनेटली आप लैब टेस्टेड रतन ले रहे हैं, डाल चुके हैं, तो कोई आपको ऐसे भी बंदे मिलेंगे जिनको रत्नों के बारे में ज्ञान इतना है मैं बता नहीं सकता हूं, उनकी जीरो नॉलेज है, लेकिन वो आपको बता देंगे ये अच्छा नहीं है, ये फेक है, ये बुरा है। तो मेरे कहने का भाव क्या है, आप पॉजिटिव चीज को बहुत लेट एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव को तो सेकंड्स के अंदर बंदा कैच करता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन नेचर है, मिंटो स्किंटो में बंदा बोलता है अरे यार मैंने गलत तो नहीं डाल लिया। अच्छा भला चंगा रतन आप उतार के फेंक देते हैं और फिर क्या होता है, ग्रह अपना काम कर गया, जो उसने आपका नुकसान करना था वो हो गया। तो मेरे कहने का भाव है दोस्तों, एक्सपर्ट जब आपको रतन दे रहे हैं, एक्सपर्ट जब आपको उस चीज को हर एक पहलू से देखकर बता रहे हैं, तो आप ये इस चीज को बहुत पॉजिटिवली समझ लें, फिर आपको ब्लाइंड फेथ करके चलना पड़ेगा उनके ऊपर। ये नहीं है कि आपने स्टोन ले लिया फिर बार बार दुकानों में जा रहे हैं, ज्वेलर्स के पास बार बार जा रहे हैं, कहीं और किसी के पास, अरे भैया वो तो क्रिटिसाइज ही करेंगे उस चीज को,
वो तो कभी भी नहीं बोलेंगे कि आपका रत्न बड़ा जबरदस्त है, वो तो 100% क्रिटिसाइज करेंगे। और जब आपको क्रिटिसाइज कर दिया, आपने भला चंगा पत्थर उतार के फेंक दिया, टाइम तो पहले खराब था, फिर और शुरू हो गया। तो मेरे कहने का भाव है दोस्तों, कोशिश करिए, एक जगह टिकना पड़ेगा, एक के ऊपर गुड फेथ रखना पड़ेगा, एक के साथ चलना पड़ेगा, तब ही आप आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। आज का जो हमारा एपिसोड था, ये सिर्फ दो चीजों के ऊपर ही आधारित था कि गलत रेकमेंडेशन या गलत स्टोन जो आपने पहन लिया है, क्या उसे उतारने के बाद भी आपकी बॉडी एकदम से पॉजिटिव हो जाती है या नहीं हो जाती है। और दूसरा, जो आपने रत्न पहने हुए हैं, जो एक्सपर्ट की राय के अनुसार कुंडली का विश्लेषण करवा के आपने रत्न लिए हैं, वो अच्छे रत्न भी आप किसी ऐसे बंदे के चक्कर में फंस के उतार देते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये जो एपिसोड था, आया मजा? ये जो एपिसोड होते हैं दोस्तों, बहुत मेहनत, बहुत लगन, बहुत ही ज्यादा अपने तजर्बे के अनुसार बनाए जाते हैं। मैं आपको यहां पे एक और चीज क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि मैं कभी किसी तरह का कोई भी बुक्स के अंदर से पढ़ के या रिटली उसको लिख के मैं एपिसोड नहीं बनाता, ये मेरी खासियत है। और क्या होता है कि आप अगर एवरीडे जिमलॉजी पढ़ रहे हैं, ज्योतिष के बारे में जानते हैं, मेरे को तो 22-23 साल हो गए, वैसे तो मेरे को पढ़ते हुए 25 साल हो गए, आज भी मेरी रूटीन है, मैं 1 या 2 घंटे जरूर पढ़ता हूं। अब कई बार लोग बोलते हैं कि आप 1-2 घंटे कैसे पढ़ेंगे, तो मैं यहां पे बता दूं, मोस्टली मैं ट्रैवलिंग में होता हूं, अभी तो COVID-19 की वजह से नहीं ट्रैवलिंग हो पा रहा, लेकिन मैं जब भी ट्रैवलिंग करता हूं, मैं गाड़ी में हूं तो भी पढ़ता हूं, अगर मैं बाय एयर जा रहा हूं तो भी पढ़ता हूं। तो मेरे को बहुत ज्यादा इस चीज का शौक है, उस चीज को समझना। ऐसी ऐसी बुक्स जो प्राचीन हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, उनको समझना कि वाकई ये क्या चीज थी, नक्षत्र, ग्रह, ये गैलेक्सी, तो बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। तो दोस्तों, ये जो आप रत्न पहनेंगे, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाएंगे, रत्न लेंगे, ओरिजिनल लैब टेस्टेड, और पूजा होना बहुत जरूरी है। विदाउट एनी पूजा अगर आप स्टोन डालेंगे तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट्स नहीं आएगा, वो डमी है माय डियर, डमी का तो फिर फायदा ही नहीं है ना, वो तो यू कैन वेस्ट योर मनी एंड टाइम। मैं यहां पे बोलता हूं कि आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाए बगैर कोई भी रत्न, कोई भी मेटल ना पहने। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, तो ये जो नंबर है, द नंबर इज 9872649 2, वन ऑफ द बेस्ट नंबर। ये व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों, इसके ऊपर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम छोड़ दें, आप अपने बारे में, पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, भाई बहन, माताजी, पिताजी के बारे में, या आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं रिलेटेड टू होरोस्कोप, तो ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा, आप इस पे उनका सारा डाटा छोड़ दें। इन केस आपके पास ये डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, तो कोई इतनी घबराने वाली जरूरत नहीं है, दोनों हाथों की पिक्चर्स लेके उनका नाम व्हाट्सएप कर दें, आपको हमारी ओर से प्रोसीजर आ जाएगा, उसे फॉलो करना है, हमारी बहुत प्रोफेशनल सर्विसेज है, लेकिन विश्लेषण के बाद आपका मन खुश हो जाएगा कि यार वाकई हमने पैसे पे करे थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा, अभी के अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल FM, ऑल TV चैनल्स के ऊपर आपने फॉलो करना है बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। तो इसी उम्मीद के साथ यह एपिसोड अभी खत्म करते हैं, तो बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।